टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो है भागलपुर यूनिवर्सिटी और मुंगेर यूनिवर्सिटी का पार्ट टू का पेपर थर्ड का जो ऑब्जेक्टिव कुछ छूट गया था वो बताऊंगा, और एक टॉपिक आज मैं लेकर चलूंगा इनफाइनाइट सीरीज। उस इनफाइनाइट सीरीज में मैं आपको पहले कुछ टेस्ट बताऊंगा, कुछ स्टेटमेंट बताऊंगा, फिर उसके बाद आगे का आपको सॉल्यूशन देंगे। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 41 नंबर क्वेश्चन है, द लोएस्ट पॉइंट ऑफ कैटेनरी। कैटेनरी का जो लोएस्ट पॉइंट होता है वह वर्टेक्स कहलाता है, याद रखना है। ये सारे स्टेटमेंट हैं, कैटेनरी किसी भी कैटेनरी का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है वो क्या होता है, वर्टेक्स होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, द कार्टिजियन इक्वेशन ऑफ द कैटेनरी कंटेंट। कार्टिजियन होता है वो कंटेन करता है एस एंड सी को, ये कंटेन करता है। ये आपका सारा डायनामिक का स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद 43 है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1+1/1 एन इज इक्वल टू द पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू, ये हमेशा इक्वल टू होता है ई के बराबर, इसलिए 43 का आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर। 44 लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम जो है इज ए पार्टिकुलर केस, या पार्टिकुलर केस होता है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का। किसका होता है, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का पार्टिकुलर केस होता है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, इस पर आप ध्यान रखिएगा। अब लिखा हुआ है 45 में, द टर्म आर एन एस टू डी पावर एन इंटू में 1 - थीटा टू डी पावर एन माइनस वन बटे में फैक्टोरियल एन माइनस वन एफ टू डी पावर एन इंटू ए प्लस थीटा एच इज कॉल्ड। यह आपका जो कहलाता है ये काउची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर कहलाता है। क्या कहलाता है, काउची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। 45 अब हम चलते 46, लेट यू एन इज ग्रेटर देन जीरो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन बटे यू एन प्लस वन इज इक्वल टू वन देन द सीरीज सिग्मा यू एन इज। तो यह सिग्मा यू एन ना ही कन्वर्जेंस होगा ना डाइवर्जेंस होगा ना ही ये कंडीशनली कन्वर्जेंस होगा, ये आपका नन ऑफ दीज होगा। तो ये होता क्या है, ये हम आपको स्टेटमेंट जब बताएंगे उसमें आसानी से आपको समझने में आते चल जाएगा ये क्या है। ओके अब हम चलते हैं, यहाँ पे डबल इंटीग्रल है, द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रल आर एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स डी वाई ओवर आल वेयर आर इज इक्वल टू जीरो में इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन वन एंड जीरो इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन इक्वल टू टू। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाता है। फिर उसके बाद हम 48 पे चलते हैं, द फंक्शन ऑफ बीटा एम एन, ये बीटा गामा फंक्शन का है, ये वाला फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बीटा गामा फंक्शन का है, और ये इसका जो ऑप्शंस होता है ये ऑप्शंस नंबर 3 सही है, 0 से इन्फिनिटी e टू डी पावर माइनस एक्स एक्स टू डी पावर माइनस वन एन माइनस वन डी एक्स होता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीटा गामा फंक्शन का है, बीटा का जो फॉर्म होता है इसी टर्म में होता है। अब लिखते हैं 49 नंबर, द फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेट टू बी हैव ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइंट ए बी इफ, ये कंडीशन कब होता है, जब एफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन एफ ए बी, एफ एक्स वाई जो है बड़ा होता है एफ ए बी से। फिर उसके बाद 50 में चलते हैं, ए फंक्शन विच इज कंटिन्यूस इज आल्सो, ये कंटिन्यूस होता है कब, नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस इज क्लोज्ड और इंटरवल ए बी में, तो क्लोज इंटरवल ए बी में ये क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो ये बात बहुत जरूरी है, 50 नंबर है। अब आपका 50 खत्म हो चुका है, अब हम आपको चलते हैं सीरीज, ये आपका पेपर थर्ड का ही है, एक सीरीज टॉपिक है, सीरीज टॉपिक में मैं आपको बता रहा हूँ आज लेबनिज़ टेस्ट। लेबनिज़ टेस्ट क्या होता है, ये सारे स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट याद कर लो ताकि कुछ चीज़ को आपको समझने में दिक्कत ना हो। इफ सिग्मा माइनस वन पर पावर एन माइनस वन यू एन इज अल्टरनेटिंग सीरीज देन सिग्मा माइनस वन पर पावर एन माइनस वन यू एन इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट कब होगा, जब इस तरह का जो आपका सीरीज होगा, और वह कन्वर्जेंट कब होगा, जब यू एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू यू एन प्लस वन फॉर ऑल एन के लिए एन यू एन टेंस टू जीरो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये आपका कंडीशन होना चाहिए। आप लेबनिज़ टेस्ट अभी थोड़ा देर के लिए जो पढ़े नहीं होंगे उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप केवल इसको दिमाग में रख लो ताकि जब हम इसका यूज कर सकें तो आपको बताए तो यहाँ पे लेबनिज़ टेस्ट का यूज हुआ है, यहाँ पे लॉगरिथमिक टेस्ट का यूज हुआ है। तो आप इसको केवल दिमाग में रखते जाओ, बाकी जब इसका ऑब्जेक्टिव में यूज करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब हम आते हैं लॉगरिथमिक टेस्ट, इफ यू एन इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एन के लिए एंड लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एन लॉग एन यू एन बटे यू एन प्लस वन इज इक्वल टू एल देन द सीरीज सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट इफ जब एल इज ग्रेटर देन वन। इस तरह का कंडीशन रहा, और ये कन्वर्जेंट तब कहलाएगा जब एल आपका बड़ा होगा, यहाँ पे जैसे वन के जगह पे 2, 3, 4 रह दिया तो एल क्या हो जाएगा आपका, कन्वर्जेंट। और जब डाइवर्जेंट कब होगा, जब एल इज लेस देन वन होगा, मतलब जब हम एल का मान दो एक से क्या कर दें, कम कर दें, तो वह क्या कहला जाएगा, आपका लॉगरिथमिक टेस्ट।
लॉगरिथमिक टेस्ट में आप यहाँ पे क्या देखें कि अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n log n u1 बटे n प्लस 1 के टर्म में रहता है l, तो यहाँ पे ये कन्वर्जेंट तब होगा जब l बड़ा ग्रेटर देन होगा, बड़ा होगा, और डाइवर्जेंट कब होगा जब l छोटा होगा। तो ये बात आप याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट ही रहता है, डायरेक्ट स्टेटमेंट दे देता है, इस तरह का स्टेटमेंट दे देगा आपसे और बोल देगा कि ये किसका सीरीज का टेस्ट है। तो आपको पता होना चाहिए लॉगरिथमिक है, डाइवर्जेंट है, या फिर रेशियो टेस्ट है, राविश टेस्ट है, ये लैब कुछ तरह का भी हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए क्या लॉगरिथमिक टेस्ट है। अब हम चलते हैं राविश टेस्ट। राविश टेस्ट क्या बोलता है, इफ़ यू एन इज ग्रेटर देन जीरो फॉर एन के लिए, जहाँ पे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन इंटू यू एन बटे यू एन प्लस वन एल इज वन माइनस वन इज इक्वल टू एल है, देन द सीरीज सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट होगा जब एल इज इक्वल टू ग्रेटर देन वन, और डाइवर्जेंट होगा जब एल इज लेस देन वन। देखो यहाँ पे कंडीशन क्या दे दिया, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इंटू एन इंटू यू एन यू एन बटे यू एन प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू एल दे दिया, इस तरह का कंडीशन दे दिया, और तब हम एल को क्या कर रहे हैं, ग्रेटर देन वन कर रहे हैं और कन्वर्जेंट बना रहे हैं, और डाइवर्जेंट कब होगा जब एल इज लेस देन वन होगा, तब ये राविश टेस्ट को प्रूव करता है। अब हम राविश टेस्ट के बाद काउची रूट टेस्ट के पास चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्मा यू एन बी ए इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म सच डेट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन टू डी पावर वन बटे एन इज इक्वल टू एल, और सिग्मा यू एन कन्वर्जेंट कब होगा जब एल इज लेस देन होगा, डाइवर्जेंट तब होगा जब एल इज ग्रेटर देन होगा, और टेस्ट फेल कर जाएगा। टेस्ट फेल कर जाएगा तो मतलब टेस्ट बेकार हो जाएगा, कब, जब एल का मान वन के बराबर हो जाएगा। टेस्ट फेल का मतलब इसका कोई यूज नहीं होगा, इस तरह के कंडीशन में जब इसका मान अगर हम वन के बराबर कर देते हैं, एल के जगह पर अगर गलती से वन आ गया, तो समझो ये बेकार हो गया, ये टेस्ट फेल हो चुका है। ओके, अब हम चलते हैं डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, या जिसको रेशियो टेस्ट भी कहा जाता है। सिग्मा यू एन बी ए इनफाइनाइट सीरीज, सिग्मा यू एन को इनफाइनाइट सीरीज का होना चाहिए और पॉजिटिव टर्म में होना चाहिए, जैसा कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन बटे यू एन इज इक्वल टू एल सच दैट द सीरीज सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट जब एल इज लेस देन वन, डाइवर्जेंट जब एल इज ग्रेटर देन वन, और टेस्ट फेल हो जाएगा जब एल इज इक्वल टू वन। आप केवल इसका स्टेटमेंट याद कर लो, बाकी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ एल इज इक्वल टू वन देन द सिग्मा यू एन इज ईदर कन्वर्जेंट और नॉट और डाइवर्जेंट, या तो वो कन्वर्जेंट हो सकता है या डाइवर्जेंट हो सकता है। तो ये आपका टोटल हम पांच को आज आपको स्टेटमेंट बताएं, डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट या रेशियो टेस्ट, दूसरा काउची रूट टेस्ट, तीसरा है राविश टेस्ट, चौथा है लॉगरिथमिक टेस्ट, और पांचवा है लेबनिज टेस्ट। इसका स्टेटमेंट दिमाग में रखना, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से किसी भी चीज़ को समझने के लिए। अभी जो हम जितना ऑब्जेक्टिव ऊपर पढ़े हैं वो डायरेक्टली बनाएं, अब जो इसमें ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे उसका जो आंसर बनाएंगे इसी स्टेटमेंट की हेल्प से करेंगे। तो आप इस स्टेटमेंट को दिमाग में रखो, जब हम इसका जो सॉल्यूशन बताया वहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे लेबनिज टेस्ट का यूज हुआ है, तो आपके दिमाग में रहना चाहिए लेबनिज टेस्ट क्या है। ओके, तो ये आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। और एक स्टूडेंट का बोल रहे, एक स्टूडेंट था, किसी ने कमेंट किया था कि पार्ट सर पार्ट वन का भी आप वीडियो अपलोड कर दीजिए ऑब्जेक्टिव टर्म में। हाँ, पार्ट वन का भी आपको ऑब्जेक्टिव टर्म में वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो अभी बहुत पूजा का समय है ना, चैत्र दुर्गा, तो इसी वजह से थोड़ा सा बिजी हो पा रहे हैं। जैसे पूजा ख़त्म होता है और कोशिश करेंगे इसी बीच में आपको हम वीडियो एक दो वीडियो अपलोड करवा दें, प्रोवाइड कर दें। तब तक के लिए ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कुछ भी तरह का आपको प्रॉब्लम है, कमेंट करना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू।